हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में बिहार दरोगा की जो मुख्य परीक्षा आयोजित हुई है उसके मेमोरी बेस्ड यानी कि एग्ज़ाम देकर जो बच्चे बाहर निकले हैं उनके द्वारा बताए गए प्रश्नों को साझा कर रहा हूं। अगर आपने भी मुख्य परीक्षा दिया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सारे के सारे प्रश्न आज पूछे गए थे या नहीं पूछे गए थे। पहला प्रश्न है कि अकबर जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो उस समय वहाँ के शासक उदय सिंह थे। प्यूनिक युद्ध किसके बीच हुआ था? ये थोड़ा सा अल्टर क्वेश्चन है, रोम और कार्थेज के बीच हुआ था। आयोलो का मुख्यालय कहाँ है? तो आयोलो का मुख्यालय सिंपल क्वेश्चन है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। किसने विक्रम संवत की शुरुआत की थी? तो राजा विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की शुरुआत की थी। किस गुप्त शासक ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था? समुद्रगुप्त को अश्वमेघ यज्ञ कराने का श्रेय जाता है। अल्फा टॉक्सिन किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो फंगी के द्वारा। फातशाह नामा के लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी हैं। संवैधानिक पदों को आपको वरीयता क्रम में सजाना है, तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड गवर्नर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। कौन से राज्य समुद्री तट से लगे हुए हैं? इसमें राज्यों की एक सूची दी गई थी, उससे आपसे प्रश्न पूछा गया था। कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। कुषाण वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर और मथुरा। 47 गुणसूत्र किस रोग में होता है? यानी ये जो प्रश्न पूछा गया है उसका सही उत्तर है डाउन सिंड्रोम। साधारण विधेयक राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकता है? निर्विरोध निर्वाचित होने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो पहले राष्ट्रपति का नाम था जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, नीलम संजीवा रेड्डी। म्यांमार एशिया के किस दिशा में स्थित है? तो ईस्ट दिशा में स्थित है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो अल्पसंख्यकों को प्रदान किए गए हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। गारो, खासी, जनजातियाँ भारत के किस जिले में किस राज्य में पाई जाती हैं? तो भारत के नॉर्थ ईस्ट के मेघालय राज्य में पाई जाती हैं। तैरता हुआ नेशनल पार्क क्योलालेमजाओ मणिपुर में स्थित है। दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक पर क्या असर होगा? गलनांक घटेगा। अकबर ने किस की अध्यक्षता में चित्रकला विभाग की स्थापना की थी? तो ख्वाजा अब्दुल समद की अध्यक्षता में चित्रकला विभाग की स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी। टॉबिन टैक्स क्या है? तो बेसिकली जो हॉट मनी होती है उस पर टॉबिन टैक्स लगाया जाता है। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप टेनिस से संबंधित है। इसके अलावा आपको पूछा गया था कि जो साधारण नमक होता है उसका रासायनिक फॉर्मूला क्या है? तो सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। विधान परिषद के न्यूनतम सदस्य पूछा गया था या अधिकतम, इस पर मुझे संदेह है। तो अगर न्यूनतम पूछा गया था तो 40, अधिकतम पूछा गया था तो विधानसभा के 1/3। केंद्रक किसके बाहर रहता है? तो केंद्रक माइटोकांड्रिया के बाहर रहता है। हड़प नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत डलहौजी के द्वारा की गई थी। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो बेसिकली दो नदियाँ हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती। तो ये रहे आज के वो 30 प्रश्न जो कि मुख्य परीक्षा में पूछे गए थे। अगर आपको लगता है कि यही प्रश्न जो मेमोरी बेस्ड आपको बताया गया है हूबहू आज के पेपर में पूछे गए थे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वे सारे लोग जो आगामी बिहार दरोगा की जो प्रारंभिक परीक्षा होने जा रही है उसमें शामिल होने जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। साथ ही साथ जो BPSC देने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए कल एक अंतर्राष्ट्रीय जो भी सूचकांक है उसकी अद्यतन रैंकिंग, जो युद्धाभ्यास होते हैं उसके रिगार्डिंग भी दो वीडियोज कल सुबह में इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।